जापान एक अमेजिंग कंट्री है। वहाँ टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने ट्रेडिशन और कल्चर को भी साथ लेकर चला जाता है। कभी कभार जापानीज बिल्कुल ही अजीब चीजें बनाते हैं, पर फिर भी वो अपने देश में रहने वाले हर किसी के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे में कई बार लगता है कि मानो ये कंट्री 2019 में नहीं बल्कि 3019 में जी रही है। अगर आपको यकीन नहीं हो, आपके लिए पेश है कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो आपको ये बिलीव करने में मजबूर कर देंगे कि जापान 3019 में रहता है। स्पेस सेविंग पार्किंग लॉट। वैसे जापान काफी पॉपुलेटेड कंट्री है, इसलिए वो थोड़ी सी जमीन का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उनके पार्किंग लॉट में स्मार्ट सिस्टम है। उन्होंने मल्टीपल लेवल गैराज सिस्टम डिजाइन किए हैं जो काबिले तारीफ है। कैन फूड रेस्टोरेंट। जापान में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां आपको कैन में पैक हुआ खाना मिलता है। वैसे लगता तो नहीं है कि कैन का खाना टेस्टी होता होगा, पर जापान में तो ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि उनके पास 300 तरह के खाने की चॉइस होती है जो अलग अलग कंट्री से आई होती है। डॉल विलेज। जापान में नागोरो नाम के गांव में लगभग 300 लोग रहते थे, पर आज वहां बस 40 लोग रहते हैं। वहां की आर्टिस्ट सुकिमी आयानो ने 300 से ज्यादा इंसानों के साइज की डॉल्स बनाई है और उन्हें अलग अलग जगह रखा है। जैसे एक डॉल से भरा क्लासरूम है जो उस स्कूल में है जो कि कई सालों पहले बंद हो गया था। नो फोर। जापान में ये मान्यता है कि 4 नंबर यानी कि 4 नंबर का इस्तेमाल ना किया जाए, उसे अनलकी माना जाता है। इसलिए कई बिल्डिंग्स में तो 4th फ्लोर होता ही नहीं है और कई बार तो खाने पर 4 मेहमानों को बुलाया ही नहीं जाता। क्लीनिंग क्लास। जापान के बच्चों को स्कूल में ही साफ सफाई करना भी सिखाया जाता है क्योंकि वो उनकी पढ़ाई का एक पार्ट है। बच्चे मिलकर क्लास में, हॉल में झाड़ू पोछा सब करते हैं और तो और वो बाथरूम भी साफ करते हैं। वहाँ के टीचर्स का मानना है कि इससे वो एक अच्छा नागरिक तैयार करेंगे। फुटबाथ ट्रेन। अगर आप सुडोई टूरिस्ट ट्रेन में जाते हो तो वो आपके लिए एक बहुत ही कम्फर्टेबल साइट सीइंग एक्सपीरियंस होगा। इस ट्रेन में खास फुटबाथ के लिए गर्म खुशबूदार स्प्रिंग वाटर है जिसमें पैर रखकर आप सारे नजारों के मजे ले सकते हो। फ्यूचरिस्टिक टॉयलेट। जापान में टॉयलेट भी हाईटेक है तो उसे इस्तेमाल करने के लिए आपको आना चाहिए। कि सारे बटन का क्या यूज है कोई चिंता की बात नहीं है, मैं सिखाऊंगा आपको। जैसे ठंड में टॉयलेट सीट पर बैठने पर इंसान ठंड के मारे सुन पड़ जाता है, तो उसके लिए पेश है सीट हीटर। ये आपकी पॉट सीट को आपके मन चाहे टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है और तो और इसके अंदर से साफ करने के लिए पानी भी वार्म वाटर आता है। ये हुआ ना आनंद का एहसास। और अगर आप टॉयलेट में बैठे बैठे बोर हो जाते हो तो आपके लिए पेश है टॉयलेट म्यूजिक सिस्टम। जी हाँ, इसमें आपको एक म्यूजिक सिस्टम भी मिलता है। ये आपके बोरियत के समय बहुत काम आने वाला है। और अगर आपका पेट खराब है तो आप इसकी आवाज से अपनी फार्ट्स भी छुपा सकते हो। अरे वाह। आइसक्रीम फ्लेवर। मुझे लगता है जापान में लोगों को अजीब चीजें खाना बहुत पसंद आता है, इसलिए उनकी आइसक्रीम के फ्लेवर्स बहुत ही अजीब है। जैसे हॉर्स मीट फ्लेवर, कैक्टस फ्लेवर, चारकोल, स्क्विड इंक, गार्लिक फ्लेवर्ड आइसक्रीम, चिकन विंग्स वाली आइसक्रीम, अरे भैया क्या नहीं मिलता यहाँ पर। वैसे इतनी अजीब फ्लेवर्स की आइसक्रीम में मजा क्या आता होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। रोबोट होटल। सोचो अगर आप किसी होटल में जाओ और आपको वहाँ कोई इंसान ही ना मिले और जो लोग मिले वो बस रोबोट्स हों। जी हाँ, नागासाकी के एक होटल में उसका काफी स्टाफ रोबोट्स का है। वो उसे हेन्ना कहते हैं जिसका मतलब है अजीब। तो इंसानों के जैसे ही रोबोट्स गेस्ट से मिलते हैं, रूम साफ करते हैं, लगेज उठाते हैं, कॉफी बनाते हैं और स्माइल भी करते हैं। अरे वाह। वैसे यहाँ इंसान भी काम करते हैं जो रोबोट्स को रिचार्ज करने के लिए आते हैं और उनके काम पर नजर रखते हैं। कैफे कंपेनियन। किसी रेस्टोरेंट में अकेले बैठकर कॉफी पीना, स्नैक्स खाना काफी मामूली बात है, पर जापान कुछ टेढ़ा है। अगर आप कैफे में अकेला महसूस कर रहे हो तो वहाँ आपके साथ एक बड़ा सा कार्टून टॉय बैठा होगा ताकि आपको अकेलापन महसूस ना हो। कैप्सूल होटल। जापान में आबादी ज्यादा और जगह कम होने की परेशानी को देखते हुए वहाँ के कुछ एंटरप्रेन्योर ने कैप्सूल होटल्स बनाए हैं। इसमें एक बड़े से कैप्सूल के अंदर आपका बेडरूम होता है, आपको लगेज रूम, सब अलग अलग अपॉइंट किया जाता है।
ये बजट फ्रेंडली भी होते हैं और कम जगह भी लेते हैं, है ना, बहुत बढ़िया। आयरन मैन ऑफ जापान। पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है कि जापान के पास अपना खुद का आयरन मैन है। यस, इट्स अनबिलीवेबल, पर जापान ने अपना एक मिलिट्री रोबोट बनाया है। वैसे जापान की आर्मी उनके रोबोट्स के बिना ही बहुत ताकतवर है, पर ये टेक्नोलॉजी उनकी कंट्री को बचाने के लिए बहुत बड़ी इन्वेंशन है। इस रोबोट का नाम कर्टिस है और इसे जापान ने 2012 में ही बना लिया था। ये लगभग 4 मीटर लंबा है और 4.5 टन का है। इसे एक आदमी अंदर बैठकर कंट्रोल करता है, बिल्कुल टोनी स्टार्क की तरह। तो दोस्त, कैसे लगे आपको ये फैक्ट्स अबाउट जापान? तो मैं सही था ना, लगता है ना कि जापान 3019 में ही है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप इनमें से क्या चीज इंडिया में चाहिए। मैं भी देखता हूँ कि हम इंडियंस को क्या चीज पसंद आती है।